राज्य ने शनिवार को पश्चिम बंगाल ठेका किरायेदारी अधिनियम में संशोधन किया। आप देख रहे द लोकल जर्नलिस्ट। और आपको बता दूं, कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को शहर और आसपास के क्षेत्रों में ठेका भूमि खंडों पर उच्च इमारतों का निर्माण करने की अनुमति मिल सके। इससे पहले संशोधित अधिनियम केवल कोलकाता नगर निगम और हावड़ा नगर निगम के तहत कोलकाता और हावड़ा पर लागू था। शनिवार को विधानसभा में संशोधन विधायक पेश करते हुए राज्य के शहर विकास मंत्री फिराद हकीम ने कहा कि ठेका रियायत वाले जमीनों का विकास नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने पहले बांगलरबाड़ी योजना शुरू की थी, अब केएमडी को ठेका किरायेदारी में शामिल किया जा रहा है। केएमसी एचएमसी और विधायक देवाशीष कुमार ने कहा कि 2019 में एक संशोधन किया गया था जहां ठेका किरायेदारों को ठेका पत्र धारकों में बदल दिया गया था। ये कहा गया था कि यदि ठेका किरायेदार घर बनाना चाहता है तो वह सभी किरायेदारों की सम्मति और स्थानीय प्राधिकरण की अनुमति से ऐसा कर सकता है। यदि ये भूमि विकसित नहीं कर सके तो केएमसी एचएमसी या अन्य स्थानीय निर्माण कार्य कर सकते हैं। संशोधन के बाद अब केएमडी काम उच्च वाले मकान में भी बन सकता है। इससे उद्रवादी विस्तार अधिक लोगों को समायोजित करने की मदद मिलेगी। 2021 में कैबिनेट ने कोलकाता में ठेका भूमि पर उच्च इमारतों का निर्माण को मंजूरी दी थी, जिससे ऐसे भूमि खंडों पर 9.5 मीटर से अधिक उच्च वाले इमारत पर पहले से ही प्रतिबंध को हटा दिया गया। पहले किरायेदार ठेका भूमि पर घर नहीं बना सकते थे या विकसित नहीं कर सकते थे। 2019 में संशोधन के बाद ठेका किरायेदारों को अपनी खुद की एरिया 5 मंजिल तक मान करने की अनुमति दी गई थी। केरारी ने कहा कि हालांकि कानून एक प्रभारी खंड है, लेकिन बहुत कुछ प्राधिकरण के पहले ही निर्भर करता है, जिनमें ठेका किरायेदारी के तहत झोपड़ी विकास को सुविधाजनक बनाने की योजना भी शामिल है। इससे जुड़ी पलभर की अपडेट्स के लिए देखते रहे द लोकल जर्नलिस्ट।